मेरे साथ आज डुअर्स 12 है। ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, कोई इसकी बात नहीं करता, लेकिन जो आपकी डुअर्स वाइट लेबल विस्की है, मुझे वो काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ये विस्की लेके आया हूँ, ये सोच के कि शायद ये डुअर्स वाइट लेबल से बेटर होगी। अगर नहीं हुई तो मेरी वो किस्मत। डुअर्स वाइट लेबल ऐसी विस्की है जो मैं 4 या 5 बार पी चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसने काफ़ी इम्प्रेस किया है, और इसी रीज़न के लिए मैं डुअर्स 12 आज लेके आया हूँ। ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ये मुझे पड़ी 2700 रुपये की। कोई मेरे लिए ये गुड़गांव एलवन से लेके आया था। लेट्स स्टार्ट। Scotch are aged 12 years, the ancestor, married in oak cask, product of Scotland. So this is from, I think, from Highland. So it's exactly where you have teachers from. And this is John Alexander Dewar. This is imported by Bacardi in GK Part 2. And what else do we have here? Here we have the whole story about Dewars, and I don't care. Established 1846, and this is another Dewar we have here. Born 1864, Tommy Dewar was a Maverick brother. All right. आई थिंक दैट्स मेरे पास 5 विस्की है रिव्यू करने के लिए, लेकिन मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे महंगी है और मुझे डुअर्स वाइट लेवल बहुत पसंद है। मैं बड़ा कन्फ्यूज था इसका रिव्यू करूँ या टीचर्स गोल्डन थिसल का, लेकिन डुअर्स, बिकॉज ये डुअर्स ज़्यादा महंगी है। लेट्स सी व्हाट इट इज़ लाइक। कलर बिल्कुल ब्लैक है इसका, वाओ, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी बोल्ड। लुक एट द बॉटल कैप, वाओ, आई थिंक आई एम इन फॉर A treat. I'm so excited, man. John Dewar and Sons. What a bottle, man. Chuckle dekhi iski. You know? And look at how beautiful the color is. And look at the bottle cap. बचपन में जब मैं देखता था ना विस्की को, तो मुझे लगता था यार ये एक दिन ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। बॉटल की शक्ल देखिए आप। पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। छोटी स्क्रीन के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपनी विस्कीज पसंद है आइस के साथ, एंड दिस इज माय आइस बकेट राइट हियर। दीज आर माय ऑल माय आइस क्यूब्स। टू आइस क्यूब्स एंड लेट्स ओपन दिस। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 45 ml का शॉट बनाऊंगा, सॉरी ड्रिंक बनाऊंगा। ड्रिंक बनाने से पहले मैं इसको एक बार इसकी किस किस या आई एम रियली एक्साइटेड। ओके, बॉटल कैप केम ऑफ। ओके, सो दैट्स, ये होना चाहिए। अगर आप ये खरीद के लेके आएंगे, ये सब होना चाहिए। दिस इज हाउ द बॉटल कैप लुक्स। वाओ, नॉट बैड, नॉट बैड। ये सिक्का नहीं है, बॉटल कैप है। ओके, नाउ आई एम गोना पुट सम 45 ml largest drink. Smell तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन किसके जैसी है मैं भी कह नहीं पा रहा। खुशी की बात है कि ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, बिकॉज सारी की सारी सिंगल मॉल्ट बेकार होती है, लेकिन इसमें रुतबा है यार, इसमें ठहराव भी है। स्मेल में डेफिनेटली एक ड्राई फ्रूट वाली एसेंस आ रही है, काफ़ी रिच एंड क्रीमी। क्रीमी नहीं, बट काफ़ी रिच, काफ़ी इनरिचिंग। ओके, आई नो आप चाह रहे हैं कि मैं, ओके, नॉट मच, हाँ मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। इतने में ड्रिंक काफ़ी अच्छा मिक्स होगा। अब समय है कि हम समय का इंतज़ार करें जब हम इसको पी सकते हैं। लाइक ऑलवेज, अगर आप मुझे जानते हैं तो ये 5 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है। वो इसलिए क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में ड्रिंक पी जाते हैं, लेकिन अगर मैं आइस एंड वाटर के साथ मिक्स कर रहा हूँ उसको, सो आई नीड टू वेट। अगर मैं इमीडिएटली पी लूँगा तो क्या फ़ायदा है यार। वो मेरे ख्याल से एक ड्रिंक को आपको बैठना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द कुकिंग टाइम ऑफ द ड्रिंक। आराम से ये ड्रिंक बैठा है, एक दूसरे की मुलाकात हो रही है आज के एसेंस के साथ। 40% ABV है डुअर्स ट्रू स्कॉच में। इसका नाम डुअर्स ट्रू स्कॉच है, एंड दिस इज़ द 12-year-old डुअर्स। अगर ये मुझे पसंद आई तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं जो 4500 रुपये की बॉटल है 18 वाली, वो भी लेके आऊँ। ये मैंने 2700 रुपये की ली थी, जबकि मुझे टीचर्स गोल्डन थ्रिसल 2000 रुपये की मिली।
अगर मैं 2150 रुपये खर्चा तो मुझे शिवस रीगल मिलती 12, 2700 रुपये मुझे अभी कोई दिमाग में से जहन में आने नहीं रही कोई विस्की जो इस रेंज में आती है 2500-2700 में. सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन. तो वेट करते हैं 5 मिनट के लिए. बच्चन साहब कहीं जाना नहीं, आप सबका वेट कर रहा हूं मैं, रुकिए. डार्क चॉकलेट मॉल्ट विस्की कैरमल एसेंस चॉकलेटी एसेंस सब कुछ है इस विस्की में. और पहले दो सिप्स के बाद लाजवाब है ये, बेशुमार है ये. मतलब इसका जो क्रीमी एसेंस आपको ड्यूअर्स वाइट लेवल में देखने को मिलता है उसका ज़्यादा रिफाइंड फ्लेवर आ रहा है फिलहाल मेरे माउथ में. अगर आपने ड्यूअर्स वाइट लेवल नहीं पी है तो कोई बात नहीं, ये ड्यूअर्स वाइट लेवल से हटके है. इसमें खाली जो सिमिलैरिटी है जो ड्यूअर्स वाइट लेवल और इसमें मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एक तरीके से इसका कामिंग इफेक्ट है ऑन योर पैलेट एंड ऑन योर माइंड सेट. सो द कूल थिंग इज जब आपके माइंड सेट पर आपको ये काम करती है उसी वक्त आपको क्रीमी एसेंस जो है आपके पैलेट आपके टंग आपके जीभ में भी रहता है. उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा डार्क चॉकलेट का काफ़ी इन्होंने अच्छी तरीके से यूज़ किया है. एप्रिकॉट वाली एसेंस ज़रूर आ रही है मुझे ड्राई फ्रूट्स वाली. बॉटल की जो लुक है और जो टेस्ट है वो दोनों काफ़ी अमेजिंग है बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरीके का ड्रिंक. मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस विस्की के साथ. शायद मेरी एक्सपेक्टेशन गोल्डन थिसल से भी इतनी नहीं है जितनी मेरी ड्यूअर्स 12 से थी बिकॉज मैंने बहुत सुना है ड्यूअर्स के बारे में. और क्योंकि मैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का दीवाना हूँ और ये हाईलैंड का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है मुझे पसंद आने वाली थी. लेकिन सो फार आई एम वेरी इंप्रेस्ड. लेट्स हैव अ फ्यू मोर ड्रिंक्स, लेट्स एंजॉय इट. चीयर्स. I'm gonna make another drink now. This time, mass same size almost, yeah, thoda bada. I'm gonna make almost double. Okay. पानी मैंने बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया था. तो अगर आप लोग सोच रहे कि पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया था, आई थिंक यू आर रॉन्ग. आई विल बी डूइंग अ नीट टेस्टिंग, अ लिटिल बिट ऑफ टेस्टिंग in a bit, but before that I just want to add some water and make this drink. जितना आप पानी डाल रहे हैं शायद उतना ही आपको विस्की डालना चाहिए, या पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं. That's okay. 5 मिनट का टाइमर मैंने दोबारा सेट कर दिया है. So far I feel exactly how Dewar's White Label makes me feel. लेकिन Dewar's White Label में एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. अगर आप Dewar's White Label पहली बार पियेंगे आपको शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी, थर्ड या फोर्थ ड्रिंक तक आपको फील नहीं आएगी. पर आप लगे रहना मुन्ना भाई, आप मत गिव अप करना बिकॉज Dewar's इज इट्स अ काइंड ऑफ विस्की विच मेक्स अ कम बैक. उनका इरादा ये नहीं है कि आप एक दो ड्रिंक पिए. अगर आप हैवी ड्रिंकर है या मॉडरेट ड्रिंकर है आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू हैव एटलीस्ट 5 ड्रिंक्स ऑफ Dewar's White Label. जहाँ तक बात रही इस ड्रिंक की, मैं इसके बारे में सेम चीज़ कहना चाहूँगा. शायद आज मैं 5 ड्रिंक ना पीऊँ क्योंकि कल मैंने काम पे जाना है. सो मे बी आई माई कट ऑफ इज 4 ड्रिंक्स फॉर दिस रिव्यू. सो आई एम ऑन माई सेकेंड ड्रिंक. मैंने कोई स्नैक्स नहीं खाए है. सो आई एम ऑन एम्प्टी स्टमक एंड आई थिंक एम्प्टी स्टमक ड्रिंक्स आई एंजॉयड बेस्ट. ऑफकोर्स दिस वुड टेस्ट हैंडसम. तो यार मैंने भी एक डिसीजन ले लिया है कि जो मैंने नीट पीना है उसको भी मैं डाल देता हूँ. पहले स्मेल करता हूँ उसका. ठीक है, मैंने ये अराउंड 25 ml नीट
स्मेल से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है डुअर्स की फितरत के बारे में, तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे खाली ड्राई फ्रूट वाली एसेंस आ रही है, म्यूटेड हनी, मे बी लिटिल बिट हनी, नॉट टू मच. मैं इसको किस विस्की से कंपेयर कर सकता हूँ डुअर्स के स्फेयर के बाहर, अभी तो यार मेरे जहन में कोई नहीं आ रही. हाँ मुझे एक विस्की ज़रूर याद आ रही है, लेकिन वो काफ़ी एवरेज विस्की है, सिंगलटन, उसकी याद दिला रहा है जस्ट बाय द स्मेल एंड द आउटवर्ड टेक्सचर. सिंगलटन ज़्यादा हानी ओरिएंटेड है, जो इतनी अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से सिंगलटन के बारे में. तो इसका एक टेस्ट करते हैं, और टेस्ट बिकॉज नोजिंग से मुझे इतना आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज काफ़ी इन्होंने डीप डाइव करके बनाया है इसको. चीयर्स. Wow. Wow. मैं आसपास देख रहा हूँ कि मैं उसी कमरे में हूँ जिस कमरे में से मैं आया था, क्योंकि होश उड़ा दिए इसके इसके जो नीड शॉट है. क्या मैं इसका नीड आपको रेकमेंड करूँगा? नीड किस विस्की का मैं रेकमेंड कर सकता हूँ ये तो बता दीजिए मुझे. नीट मैं किसी भी विस्की का रेकमेंड नहीं करता. तो ड्रिंक बिट, डोंट ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, दैट इज सेइंग समथिंग लाइक, यू नो, समझ नहीं आता मुझे. इट्स लाइक सेइंग आप थिएटर पे जाइए बट फिल्म देखिए, लेकिन ज़्यादा ओवर जॉयड मत होइए. तो जब लोग कहते हैं ना कि ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, दे मीन गाड़ी मत चलाइए, बाकी सब जो करना है करो मैन, डू व्हाटएवर यू वांट टू मैन, वरना ड्रिंक का एसेंस कैसे आएगा. ओवर ड्रिंक, डू व्हाट यू हैव टू, मेरा हमेशा ये मानना है. अगर आप लोगों को ये बात बुरी लगी, टू बैड, आई स्टिल मीन इट, एंड अगर आपको अच्छी लगी, वेल एंड गुड. ड्रिंक कर रहे हो, बी अ लिटिल इररेस्पॉन्सिबल, बी अ बिट इररैशनल, हैव अ फ्यू ड्रिंक्स, एंड गोइंग बैक टू हैविंग नीड शॉट्स ऑफ विस्की, आई डोंट रेकमेंड इट बिकॉज काफ़ी हाई हो जाता है बंदा नीड शॉट पीने के बाद. मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा, बट हाँ मुझे भी हिला दिया है, और मैंने तो यार अपनी लिमिट सेट कर दी 4 ड्रिंक्स की, पता नहीं क्या करूँगा मैं. सो जस्ट फॉर केक्स आई हैव एडेड अ थर्ड आइस क्यूब, एंड 5 मिनट हमारे जल्दी ख़त्म होने वाले हैं. पहली बात करते हैं पहले ड्रिंक के बारे में. पहले ड्रिंक ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, जो शॉट था मुझे इतना ग्रेट नहीं लगा. और अब बारी आई है हमारे थर्ड ड्रिंक की. क्या मुझे शॉट इसका हार्श लगा? हार्श नहीं कहूँगा मैं, स्पिरिटेड भी नहीं है, सो इट वॉज फाइन. बिकॉज यूजली किकबैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, अगर आप कोई विस्की को नीट पियेंगे तो किकबैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है. आप कभी ट्राई करिए चंद ही विस्की से जिनको आप नीट लेना पसंद करेंगे, जैसे कि मैकलन, शिवस, ग्लेनफिरिक. थैंक यू बाबू राव. सो या मैन, हैविंग सेड दैट, लेट्स गो फॉर अ थर्ड ड्रिंक. आई होप मैंने आप में से कम से कम 3-4 लोगों को कन्विंस कर लिया होगा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और 8-9 को ये भी कन्विंस कर लिया होगा कि यार आज तो पीनी है हमने. तो अगर पीनी है तो पियो प्लीज़, और ड्रिंक लेके आइए अपना, मैं इधर ही रहूँगा, पॉज करके लेके आइए, आई एम वेटिंग. हो गया, अब मैं रेडी हूँ. आज मेरा वेट है 77 किलोज. ये ड्रिंक अगर कुछ मिस कर रही है अभी तो वो है अ नाइस स्नैक. आई थिंक सम गुड सीख कबाब, सम गुड पनीर टिक्का वुड गो अमेजिंग विद दिस, सम पॉपकॉर्न वुड गो अमेजिंग, सम कुरकुरे वुड गो अमेजिंग. बट मैं एक स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं वो सब नहीं खा सकता. मैंने अपना खाना ज़रूर मंगा दिया है, सो वट एवर इज़ दैट टू ईट आई विल ईट. बट अगर मैं थर्ड ड्रिंक की बात करूँ, फर्स्ट ड्रिंक जैसे मैंने आपको कहा वॉज प्रिटी गुड, 8/10. द शॉट वॉज प्रिटी गुड, लाइक 7/10. नाउ लेट्स सी हाउ द थर्ड ड्रिंक इज. आइए मेरे साथ, चलिए चलिए चलिए. ओ सॉरी मैन, मैं अटक गया था. Some words to describe Duas as a brand and this particular whiskey. Duas 12 मेरे ख्याल से काफ़ी romantic drink है. ये बनी है बातों के लिए, मुलाकातों के लिए, दोस्त यार, दुश्मन, ज़माना, सब साथ में बैठ के ये पिएगा, अपने बयां करेगा अपने दिलों की चीज़ें.
एज ग्रुप की अगर बात करें तो आई वुड रेकमेंड दिस टू 30+ ऑडियंस. आई वुड नॉट रेकमेंड दिस टू द यंगर ऑडियंस. और उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता. मुझे ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है. प्राइस का कोई लेना देना नहीं है. मुझे थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लग रही है ये. तो ज़रूर मैं 30 to maybe I don't know till whatever age आई वुड रेकमेंड दिस ड्रिंक. बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये इसमें ठहराव है और एक तरीके का बड़प्पन है जो मुझे काफ़ी पसंद आया. ड्राई फ्रूटी एसेंस है. अब कुछ समय दीजिए. सो ड्यूअर्स 12-year-old ब्लेंड इज कॉल्ड डबल एजेड ड्यू टू 6 months ऑफ मैरिंग इन ओक कास्क्स दैट द विस्की डज आफ्टर इनिशियल मैचुरेशन एंड ब्लेंडिंग. वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड विस्कीज. लेकिन टेस्ट के बारे में ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा है. आई एक्सेप्ट ऑल कुकीज. सो नोज में लिखा है जूसी फ्रूट क्रीमी मॉल्ट रादर फ्लोरल एज इन फ्लावरी एंड क्वाइट स्वीट विद नोट्स ऑफ टोस्टेड बार्ली आमंड एंड टिंज ऑफ हनी. सो लाइक आई सेड सम हनी सम आमंड लाइक ड्राई फ्रूट एंड थिक क्रीमी मॉल्ट. मॉल्ट का डेफिनेटली मैंने आपको जिक्र किया था. तो आई एम राइट ऑन द मनी गाइज. पैलेट पे परफेक्टली पॉइज विद नोट्स ऑफ बार्ली मॉल्ट हॉट बटर टोस्ट अ लिटिल हनी एंड सम असीमेड स्पाइसीनेस. सो विद रेफरेंस टू हनी एंड बटर टोस्ट आई डू अग्री. बट इन्होंने वो मैंशन नहीं किया जो मैं सोच रहा था मैंशन करेंगे. डार्क चॉकलेट. Finish a touch of smoke on the tail alongside plenty of thick malt and sweetness. The way they have described this is it goes aptly with what people think about this when you go abroad. Dewars is considered the poor man's whiskey. Well, in India, I guess we all are poor if this is poor man's whiskey, because this is definitely refined for my liking. Lekin isme zyada taste ke aspects nahi hai. Is price range mein aapko इन द डेवलप्ड वर्ल्ड यही मिलती है. लेकिन हनी क्रीमी मॉल्ट एसेंस इज देयर लाइक आई हैड पॉइंटेड आउट बिफोर एंड आई एम सरप्राइज दैट आई गॉट 40-50% ऑफ इट एक्यूरेट. मैन आई वोंट से 100% बट काफ़ी. इन्होंने लिखा है बटर टोस्ट. भाई ये क्या होता है यार बटर टोस्ट? ये कहाँ से मिलेगा ये बटाटा वगैरह? एनी वेज चीयर्स गाइज. ओहो सो पॉपुलर आई एम. ओह सो मेनी मैसेजेस. आई लाइक इट. तीन ड्रिंक कैसे डाउन हो गए पता ही नहीं चला. इससे पहले मैं खुद को रोकूं, मैं एक चौथा ड्रिंक बना देता हूँ. ओवरऑल अगर मुझे एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस ड्यूअर्स 12 को, तो मैं काफ़ी अचंभे में आ जाऊँगा. मैं कहूँगा ये यार ये बड़ा स्टूपिड वर्ड है और काफ़ी यूज़ हुआ है मेरे चैनल पर मेरे द्वारा, बट इट्स अ वेरी It's a very pleasing drink. Yes, that's right. It's a very pleasing drink for most audiences and purposes. उनको ये पसंद आएगी. आप नमस्कार यात्रियों, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहे दुनिया की. चलिए मधोश ड्रिंक है ये. इसमें एक बहुत ही गहरा एंड डीप एंड क्रीमी एंड फॉरवर्ड एसेंस है. I think it like really for this price range, Dewars aged 12, the ancestor hits all the spots and I really cannot complain about this because इसमें इतनी अच्छी बात है. मतलब टोटल और ओवरऑल एसेंस काफ़ी अच्छा है इसका एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये. एक चीज़ मेरे को कन्फ्यूज कर रही है कि इसका नाम एंसेस्टर ज़रूर है लेकिन क्या क्या नाम दिए हुए इन लोगों ने. देखिए बाहर लिखा है ट्रू स्कॉच, फिर लिखा है एजेड 12, फिर लिखा है दी एंसेस्टर. जबकि बॉटल अगर आप देखेंगे तो कहीं पे एंसेस्टर नजर नहीं आ रहा मुझे. द मेडल स्कॉच लिखा है, पेरिस 1886 लिखा है, अवार्ड पता नहीं क्या क्या दिए हुए हैं खुद को. लेकिन भाई यहाँ पे एंसेस्टर नहीं लिखा, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे. आई होप इसमें हमारी गुड़गांव के लोगों का कुछ लेना देना. हमारी मतलब मैं गुड़गांव वाला नहीं हूँ. ओके आई एम नॉट इन गुड़गांव येट. ओके सो मैं भी यार थंबनेल शूट कर रहा था. आई होप यू गाइस लाइक द थंबनेल. थंबनेल के लिए यार तालियां. ओवरऑल दिस ड्रिंक इज कंपेरेबल टू योर टीचर्स हाईलैंड. इट इज कंपेरेबल टू योर सिंगलटन इफ यू आर अ फैन ऑफ दैट.
I don't think fans of Chivas should definitely try this, unless fans of Chivas like all blended Scotch malts. I don't think fans of ultra smoky whiskey should try this, because this has a more of a floral and palate-y essence. You know, it tries to do a little bit of deception. Overall, it is a bit crafty. मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट जैसा ड्रिंक है ये, तो इसमें वो बात नहीं है जो बाकी शिद्दत वाले खिलाड़ियों में है. लेकिन पहली बार पी रहा हूँ दोस्तों, और मुझे काफ़ी पसंद आई. मैं इसको दूंगा 8 out of 10. इज दिस वर्थ 2700 rupees? या डेफिनेटली आई वुड. अगर आप मुझे ये बॉटल साथ में रखेंगे टीचर्स 50 की, तो मैं ज़रूर इसको पसंद करूंगा. टीचर्स 50 जबकि आती है 2150 2200 की, और ये आती है 2700 की, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार. और मेरे ख्याल से आप लोग तो बहुत ही बुलंद हो अपने हौसलों में, तो आप लोग इसको और भी सस्ता पा लेंगे शायद 2400-2300 रुपये. मुझे काफ़ी मैसेज आने वाले हैं, भाई आप तो लुट गए, आप तो लुट गए, आप तो गए ठाकुर तो गए हो, बहुत महंगा ले लिया उन्होंने. पर कोई बात नहीं, अपन को फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अपना मूड ख़राब करे इसके लिए. इसी बात पे चीयर्स. जल्दी मैंने पी ली. माय नेक्स्ट ड्रिंक रिव्यू इज गोना बी फॉर टीचर्स गोल्ड एंड थिसल. दिस वाज अ रिव्यू फॉर ड्यूअर्स 12, एज 12, आल्सो कॉल्ड द एंसेस्टर ब्लेंडेड स्कॉच, डबल एज फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस in oak casks, aged in hand-selected reserve casks for 12 years. This whiskey has long been admired as the ancestor selected oak casks. I must say one thing, I have never had a whiskey which gives this much description for its own talent. Alright guys, I'll see you when I do a happy, happy, pappy Diwali to all of you. Bye now.